हेलो एंड वेलकम, यू आर वॉचिंग सनराइज टेलीविजन। मैं हूं सरिता सबरवाल, आपके अपने फेवरेट शो के साथ आपकी सेवा में हाजिर हुई हूं, आपके घर में हाजिर हुई हूं। उम्मीद करती हूं कि आप बिल्कुल बैठे हैं सामने टेलीविजन के और प्रोग्राम को एंजॉय करने के लिए तैयार हैं। इस प्रोग्राम को आप इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये आपकी किचन है। जी हाँ, आपकी किचन प्रोग्राम, हम आपके घर में आते हैं और आप कुछ ना कुछ सिखाते हैं और फिर उस डिश को हम सब तक पहुंचा देते हैं। यही है खासियत इस प्रोग्राम की। अगर आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो देर मत कीजिएगा, हमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा। और अब मैं जिसके घर में हूँ उनके बारे में बता दूँ। प्रिया मेहतानी मिल हिल के इलाके में रहती हैं और इन्होंने हमें अपने घर में बुलाया और इन्होंने फ़ोन किया था और कहा कि मेरे घर वाले मुझे कह रहे हैं बार बार कि सरिता को फ़ोन करो और उसे अपने घर में बुलाओ। तो मैं आज पहुँच चुकी हूँ इनके घर में और अब इनसे आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ, जिनके बारे में मैंने थोड़ा सा सर्वे किया है और ये जाना है कि शी इज़ अ वेरी गुड कुक। तो आइए इनसे मिलते हैं। हाय प्रिया, कैसी हैं? Hello, मेरे करीब आ जाइए। Yes. कैसी हैं? Fine, thank First you. of all, thank you so much for inviting. Pleasure, my pleasure. और बताइए कि कब से देख रही हैं प्रोग्राम? Quite some time, बहुत समय हो गया है, देखते रहते हैं। क्या और अच्छा लगता है इस प्रोग्राम में? सब जो रेसिपीज बताते हैं अच्छे लगते हैं और अच्छे मूवीज बताते हैं और सब बहुत सारी अच्छी बातें सीखने को मिलती है। Good, it's really nice to have a television. इतनी जो रेसिपीज आपने सीखी आपकी किचन प्रोग्राम से, कोई भी ट्राई किया आपने? I have once or twice. Okay, once or twice. Try किए हैं and they come out very nice. Right, okay. अब बताइए कि आपकी स्पेशलिटी क्या है? मुझे इतना पता चला है कि आप हैदराबाद से हैं तो हैदराबादी डिशेस बहुत अच्छी बनाती होती हैं। And उसके अलावा मुझे ये भी आप किसी बर्ड ने बता दिया कि आप ग्रीक एंड लेबनीज एंड गॉड नोस कौन कौन सी कुजीन आपकी स्पेशलिटी है। बहुत शौक है, पकाने का भी शौक है। ओके, तो हर किस्म का खाना बनाते रहते हैं, सॉसेस, चटनी, सब कुछ बनाते हैं। यस, गुड, एनीथिंग टू डू विद फूड। फाइन, तो अच्छा खाना, अच्छा बनाना और सबको खिलाना और सबको सिखाना, यही तो है हमारे प्रोग्राम का मकसद। तो आज क्या सिखाएंगे आप? आज हम बनाने जा रहे हैदराबादी शिकमपुरी कबाब्स। शिकमपुरी, शिकमपुरी कबाब। okay. फिर उसके साथ बना रहे हैं रुमाली कबाब्स। ओके, सरिता जी, ये मैंने एक पाउंड की माल लाया था। ओके, उसमें 4 टेबलस्पून चना दाल भिगो के डाला है। ओके, ये सिर्फ दिखाने के लिए आपने ऐसे रखा है? ये मैंने दिखाने के लिए रखा है। ये चने की दाल डाल के इसमें हमने चने की दाल और उसमें हल्दी, आपने हल्दी डाली है, 2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून जीरा पाउडर एंड धनिया पाउडर 1 टीस्पून, राइट, सब डाल के एंड नमक 1 टीस्पून डाल के इसको बॉईल किया है। कितनी देर तक बॉईल करने की? 1.5 कप ऑफ वाटर फॉर अबाउट 15 to 20 minutes. 15 to 20 minutes. Till it's cooked, till it's all cooked and dry. Right. Okay. So now what we have to do? Now we have to put the other ingredients herbs in this and then grind it to a fine paste. Okay. So इसमें क्या क्या डालेंगे? तो इसमें अब डालेंगे हम 1 टीस्पून मिंट डालेंगे, मिंट, 1 टीस्पून फ्रेश कोरिएंडर डालेंगे, टेबलस्पून फ्रेश कोरिएंडर, चॉप्ड ग्रीन चिली, ज़्यादा खाते हैं तो इससे ज़्यादा डाल सकते हैं, अदरवाइज 1 टेबलस्पून या तो कम डाल सकते हैं। एंड देन 1 टीस्पून ऑफ गार्लिक, 1 टीस्पून ऑफ जिंजर एंड इसमें 1 अंडा। ओके, 1 एग डालना है, 1 अंडा। फाइन, इसमें डाला है, अब इसको मिक्स करेंगे। अब इसको प्रोसेसर में डालेंगे। ओके, okay.
अब इसमें हम डालेंगे कैशू नट्स। ओह ओके, पाउडर किया हुआ कैशू नट्स। ओके, इट्स नॉट पाउडर एक्चुअली, कोर्स थोड़ा मोटा है। या एंड इसमें डालेंगे 2 चम्मच, दिस इज ब्राउन अनियन पेस्ट, जो ब्राउन अनियन को हमने पहले फ्राई किया था जी, तो उसकी पेस्ट बनाई थी योगर्ट डाल के। अच्छा, कितने अनियंस और कितने, ये अबाउट 4 अनियंस में हमने 2-3 टेबलस्पून दही डाल के, दही डाल के एंड उसको ग्राइंड किया था। ओके, पहले अनियंस को भून लेना है, अनियंस को ऐसे फ्राई कर लेना है, ऐसे उसके बाद करके इसमें योगर्ट डाल के, हाँ जी, एंड देन इसको पेस्ट बनानी है। ओके, अब ये पेस्ट हम डालेंगे इसमें, कितने, अबाउट 2 टेबलस्पून डालनी है। अच्छा, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। सो अब इसके इसको फ्लैट कर देना है। फ्लैट करके, इसमें एग का स्लाइस, इसमें एग हार्ड बॉईल करके रख लेना है, हार्ड बॉईल करके उसमें नमक मिर्ची डाल के अब इसको रखना है। ओके, अच्छा, इसको पहले ऐसे हाथ पे, या इनफ टू कवर द एग। ओके, एंड 1 स्लाइस ऑफ, इसको कवर कर देना है, ऊपर और भी डालना है, और भी थोड़ा हाँ डाल के, enough to cover it. Okay. क्योंकि आपने ऑयल डाल दिया था इसलिए हाथ से नहीं चिपक रहा है। Is it okay? और That's fine. That's fine. That's fine. Lovely. इसको फ्राई करेंगे जी, इसमें बहुत थोड़ी कम तेल की जरूरत होती है अच्छा फ्राई करने के लिए, क्योंकि ये तो वैसे भी पका हुआ है कीमा, जी जी जी, ऑलरेडी कुक्ड। अच्छा, इसके ऊपर एग से कोट नहीं करना है, ऐसे ही बस इसको अंदर एग डाला है ना, हाँ जी, हाँ, तो फिर एग से बाइंड रहेगा। बहुत ध्यान से उसको पलट में भी बहुत नरम होता है। सो इसे ज्यादा नहीं पलटना है, नहीं बस थोड़ा सा, एक एक बार ना, हाँ, सो सॉफ्ट ना ये ब्रेक हो जाता है ना जल्दी, जी जी जी, आसानी से टूटता है, जी जी। एंड मीडियम हीट पे इसे, मीडियम हीट पर करना है, बनाना है, गोल्डन ब्राउन होना है ना। ऐसे हो गया। वेरी नाइस सुप्रिया जी, वैसे तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन क्योंकि आपने सारा काम करके रखा तो इसलिए बहुत जल्दी बन गया है। तो मैं अब अपने सभी व्यूअर्स को जल्दी से रीकैप देना चाहूँगी, अगर मैं कुछ भूल जाऊँ तो मुझे आप बता सकते हैं, ठीक है। शिकमपुरी कबाब बनाने के लिए आपको चाहिए 1 पाउंड कीमा, मिन्स मीट, मिन्स लैम एंड फाइन किया हुआ, एंड इसके अलावा आपको चाहिए 4 टेबलस्पून ऑफ चना दाल, जिसे आपने ओवरनाइट सोक करना है, और उसके बाद चना की दाल एंड मिन्स मीट को आपने बॉईल करने के लिए रखना है। बॉईल करने जब रखेंगे तो उसमें डालना है 1 टीस्पून ऑफ हल्दी, 1 टीस्पून ऑफ रेड चिलीज, 1 टीस्पून ऑफ ज़ीरा पाउडर एंड 1 टीस्पून ऑफ धनिया पाउडर एंड सॉल्ट टू योर टेस्ट। आप उसे बॉईल करने के लिए रख दीजिएगा। जब तक वो बॉईल हो रहे हैं, और चीज़ें आपने तैयार करनी है, और वो ये कि 2 बड़े अनियंस लीजिए और उन्हें लेंथ वाइज काट कर आपने गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेना है, क्रिस्पी ब्राउन फ्राई करना है। और जब फ्राई कर लें तो उसके बाद उसमें आपने 4 टेबलस्पून योगर्ट के डालने हैं और उसकी एक पेस्ट तैयार करनी है, यानी ब्लेंडर में। साथ में आपने बॉईल करने हैं 2 एग्स और हार्ड बॉईल, और उन्हें स्लाइस, राउंड स्लाइसिस में काट कर रख लीजिए। तब तक आपका कीमा और चने की दाल जो है वो उबल चुकी है, और जब तक आपने उबालना है जब वो बिल्कुल पानी उसका सूख जाए, इसके बाद उसे एक बॉल में निकालिए या ब्लेंडर में निकाल लीजिएगा। ऐड करें
ग्रीन कोरिएंडर कटा हुआ 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून कटा हुआ ग्रीन मिंट फ्रेश वन, एंड ग्रीन चिलीज टू योर टेस्ट 2 or 3, वो भी बीच में आप मिक्स कर दीजिए, एंड 1 egg. ये सब मिक्स करने के बाद आप इसे ब्लेंडर में अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें. ब्लेंड करने के बाद इसे उसी बॉल में वापस निकाल लीजिए, और नाउ ऐड वो जो आपने अनियन की पेस्ट बनाई थी, अनियन एंड योगर्ट की पेस्ट, 2 टेबलस्पून आपने बीच में ऐड करनी है, एंड कैश्यू नट्स उसे आप कोर्स ग्राइंड कर लीजिएगा, और वो भी आप बीच में 2 टीस्पून ऐड कीजिए. अब नाउ आपने बनाने हैं शिकमपुरी कबाब. किस तरह से, पहले आपने हाथ पर थोड़ा सा मिक्स जो आपने बना कर रखा है सारी चीज़ें तैयार करके कीमा की, उसमें आपने सबसे पहले स्लाइस अपने हाथ में लेना है थोड़ा सा. हाँ, जब बनाने लगे तो उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दे ताकि आपके हाथ के साथ ना चिपके. एंड देन यू पुट अ स्लाइस ऑफ एग जो आपने बॉयल करके रखा था, स्लाइस ऑफ एग, एंड देन पुट लिटिल बिट मोर ऑफ दिस कीमा मिक्स, एंड देन मेक अ रोल, एंड जस्ट उसे आपने थोड़े से ऑयल में शैलो फ्राई करना है, और शिकमपुरी कबाब्स तैयार हैं. और मैं अपने सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि आप भी जरूर ट्राई करें शिकमपुरी कबाब प्रिया जी के स्टाइल में, जो इन्होंने हैदराबादी स्टाइल बनाया है. और फिर मुझे लिखकर ज़रूर बताएं कि आपने जब कबाब बनाए तो ऐसे ही बने थे या थोड़े डिफरेंट, और या आपने अपनी कोई चीज़ बीच में और ऐड की, ज़रूर बताइएगा. प्रिया जी मेरे नज़दीक आ जाएं थोड़ा सा, और मुझे बताएं कि अब और क्या सिखाने वाले हैं. अभी और अब हम रुमाली कबाब बनाने वाले हैं. रुमाली कबाब हैदराबाद की एक डिश है. ज़रूर ज़रूर सीखने के लिए मैं भी कीन हूँ, मैं भी सीखना चाहती हूँ, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद.